पुष्पा झुकेगा नहीं साला। आपने तो ये वाला डायलॉग जरूर सुना होगा। दरअसल ये डायलॉग बॉलीवुड की सुपरहिट मूवी पुष्पा का है। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पुष्पा मूवी की शूटिंग कैसे हुआ? अगर नहीं जानते तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको पुष्पा मूवी की कुछ बिहाइंड द सीनों को दिखाने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी अल्लू भाई के फैन है तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो यार। दोस्तों आपको मूवी का वो वाला सीन तो याद ही होगा जब अल्लू अर्जुन ट्रैक से नीचे छलांग लगा देती है। आपको इस सीन के बिहाइंड द सीन को देखकर बड़ी हैरानी होने वाली है, क्योंकि इस वाले सीन को शूट करने के लिए डमी ट्रक का यूज किया गया था, जिसका सिर्फ एक ही हिस्सा यूज में लिया गया था और बाद में इसे एक टेक्निक की मदद से 3D ट्रक बनाया गया और अल्लू भाई को इस डमी ट्रक में बैठा कर इस सीन को शूट किया गया, जिसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। इस सीन का परफेक्ट लुक देने के लिए इस ट्रक का CGI लुक भी बनाया गया था। और दोस्तों इस वाले सीन के अलावा आपको इस मूवी के वो वाला सीन तो याद ही होगा ना, जब अल्लू अर्जुन ट्रक को जोर से छलांग लगवा देती है और ट्रक जंगल में जा गिरती है। दरअसल इस सीन को शूट करने के लिए अल्लू अर्जुन का बॉडी डबल का यूज किया गया था। यहाँ पर देख सकते हो कि कैसे अल्लू अर्जुन का बॉडी डबल इस सीन के बाद अपना हेलमेट उतारती है, जिसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पे देख सकते हो। अब दोस्तों आप सभी को बता दें कि पुष्पा मूवी में एक घना जंगल को दिखाया गया है, लेकिन क्या दोस्तों आप जानते हैं कि ये जंगल रियल में नहीं था? जी हाँ, बल्कि इस जंगल को बनाने के लिए CGI का इस्तेमाल किया गया था और बाद में इसे एक 3D जंगल वाली लुक दे दी गई थी। 3D जंगल बनाने के लिए सबसे पहले इस लोकेशन को ब्लू बैकग्राउंड में शूट किया गया और फिर एक टेक्निक की मदद से 3D में स्कैन किया गया और बाद में इसे एक CGI बनाकर रिप्लेस कर दिया गया। और आप इस सीन का बिहाइंड द सीन स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको पुष्पा मूवी के अंदर वो वाला सीन तो याद ही होगा ना, जब पुष्पा अपने चंदन के लकड़ियों को पुलिस से बचाने के लिए एक बड़ी सी कुल्हाड़ी से रस्सी को काट देते हैं। और आप सभी को बता देते हैं कि इस सीन को शूट करने के लिए पुष्पा को रस्सी से बांध दिया गया था, जिसको बाद में एडिटिंग की मदद से रिप्लेस कर दिया गया। और आप सभी को बता देते हैं कि ये जो लकड़ियां दिखाई देते हैं ना, इसमें से सिर्फ कुछ लकड़ियां ही असली है और बाकियों को CGI की हेल्प से बनाया गया था, जिसका बिहाइंड द सीन आप स्क्रीन पे तो देख ही सकते हो। और साथ ही ये भी देख सकते हो कि कैसे CGI से बना लकड़ियां पानी में गिर रही है। अब दोस्तों ये वाला सीन उस टाइम का है जब पुष्पा का एक दोस्त बाइक से पानी की बात को बंद करने के लिए जा रहा था। और दोस्तों आप सभी को बता देते कि ये वाला सीन केरल की एक वाटर पार्क में लिया गया था। आप इस टीपे साफ देख सकते हैं कि कैसे बाद के पास वाले इलाका को CGI की हेल्प से जंगल में कन्वर्ट कर दिया गया। दोस्तों आपको पुष्पा मूवी की श्रीवल्ली गाने तो याद होगा ना, ये वाला सीन उस टाइम का ही है। जी हाँ, आपको बता दें इस वाले सॉन्ग को शूट करने के लिए बिना किसी ब्लू बैकग्राउंड से इस गाने को रियल में ही शूट किया गया था और फिर इस सॉन्ग को एक वाटरफॉल वाले बैकग्राउंड के साथ रिप्लेस कर दिया गया। वैसे दोस्तों आप लोगों में से कितने लोगों ने पुष्पा मूवी को देखा है और कितना अच्छा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।